हेलो दोस्तों, अगर आप भी सर्च करो इंस्टेंट लोन, वो भी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड में, वो भी बिना सिविल के, जिसमें कोई क्रेडिट हिस्ट्री ना लगती हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। आज दोस्तों मैं ब्राउज़ कर रहा था, लोन ऐप सर्च कर रहा था, जब मेरे को एक लोन ऐप्स का ऐड देखने को मिला जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि कोई क्रेडिट हिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम उसी लोन ऐप्स का रिव्यू करने वाले हैं, और इस वीडियो के एंड में हम आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाले हैं जिसके आपसे 101% एक NBFC लोन ऐप्स के बारे में पता कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक आपको देखना होगा दोस्तों, और यहाँ पे मैं आपको कुछ अर्निंग रिलेटेड टिप्स भी बताने वाला हूँ विथ प्रूफ। और इस वीडियो को देखते देखते आपको 200 रुपये तक की यहाँ पर अर्निंग होने वाली है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में जो बेल आइकन बटन उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल जाए। और दोस्तों मैं यहाँ पे पहले ही बोलना चाहूँगा, मैं किसी भी लोन ऐप्स के साथ नहीं हूँ, हम यहाँ पे करते हैं रिव्यू। इसके लिए आपको रिव्यू का पूरा डिटेल एंड तक में ही पता चलता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों मैं वीडियो में लोन ऐप्स के बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पर लोन किसी भी तरीके से सही नहीं होता है, क्योंकि आपको फ्यूचर में इसमें लेके प्रॉब्लम होती है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, पेनल्टी देनी पड़ती है अगर बाउंस हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप पहले अर्निंग वाला पार्ट देख लो, उसके बाद मैं आपको लोन ऐप्स वाला बताऊँगा। हेलो दोस्तों, सबसे पहली ऐप जिसे आप एज अर्निंग यूज़ कर सकते हो, इसका नाम ICICI डायरेक्ट, जो हर एक रेफर पर 450 रुपये आपको देती है। अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने लिंक से अकाउंट बनाते हो और उसके बाद साइन अप करते हो, तो यहाँ पे हमारे तरफ से आपको 100 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है व्हाट्सअप, उसमें स्क्रीन शॉट भेजना ट्रेड करने के बाद, तो 100 रुपये आपको ICICI डायरेक्ट की तरफ से मिलेगा। और अगर आप अपने दोस्त को रेफ़र करते हो तो यहाँ पे 200 रुपये डायरेक्टली अकाउंट में आ जाएगा जब आपका दोस्त अकाउंट बनाता है, और 250 रुपये दोस्तों तब मिलेगा जिसको आपने रेफ़र करा वो ट्रेड कर लेता है, भले एक ट्रेड जो करता है वो 20 रुपये करे, 16 रुपये करे, 11 रुपये करे, जितने का भी ट्रेड करे, बस ट्रेड करे, तब आपको 250 रुपये और मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर बात करें दूसरी अर्निंग ऐप्स की जिसमें आपको प्रॉफिट होने वाला है, दूसरी ऐप्स की बात करें तो ग्रो है। इसमें अगर आप साइन अप करते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, तो आपको 100 रुपये मिलता है। साइन अप के बाद कुछ टाइम बाद ये विड्रॉवल भी आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। और यहाँ पे जब आपका इसमें अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद जब आप अपने दोस्त को रेफ़र करोगे, तो आपके दोस्त को भी 100 रुपये मिलेगा और आपको भी 100 रुपये मिलेगा। इसमें अकाउंट खोलना भी फ्री है और इसका मेंटेनेंस चार्ज भी पूरी तरीके से फ्री है, भले आप ऐप्स को कभी यूज़ करो या ना करो। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ, रेफर एंड अर्न के लिए भी करता हूँ। तो दोस्तों आते हैं आज की। हेलो दोस्तों, हम नई लोन ऐप्स का रिव्यू लेके आ गए हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और आज की इस वीडियो के एंड में यहाँ पे मैं NBFC रजिस्टर्ड ऐप्स की वेबसाइट के बारे में भी बताना चाहूँगा, जिसमें आप सारी NBFC रजिस्टर्ड ऐप्स के बारे में जान सकते हो, वो भी 100% जो है जेन्युइन के बारे में। तो वीडियो के एंड में हम बताएंगे, लेकिन आज जिस लोन ऐप्स का रिव्यू करने वाले हैं उसके लिए आप ज़रूर वीडियो को बने रहें। जिस लोन ऐप्स की बात करने वाले हैं दोस्तों, ये 3,000 से 50,000 तक का लोन देने का दावा करती है। टेन्योर की बात करी जाए तो यहाँ पे 3 महीने से 6 महीने का टेन्योर है। और यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन होती तो शायद ये लोन ऐप्स कुछ चार्ज मांगती है, और ये क्या जेन्युइन है या फ्रॉड है उसके बारे में तो मैं अभी बताऊँगा। लेकिन इसमें एक चीज़ लिखा है जहाँ पे, कि अनसक्सेसफुल एप्लीकेशन विल नॉट अकर एनी चार्ज एनी फीस। मतलब इसमें लिखा है कि अनसक्सेसफुल एप्लीकेशन की फ़ीस नहीं लगेगी। मतलब कुछ ना कुछ मेरे को गड़बड़ लग रही है, जो कि हमें आपको इस वीडियो में एंड में बताएंगे, देखने के बाद पता चलेगा। और रिव्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता हो, देख सकते हो कि इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, 18 से 60 साल की उम्र होनी चाहिए, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड विद रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, कोई सिविल स्कोर मेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। बात करें NBFC की, तो यहाँ पर इन्होंने कोई NBFC मेंशन नहीं करी है, ठीक है। बात करते हैं ऐप्स परमिशंस की, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कैलेंडर परमिशंस, कैमरा परमिशंस, कॉन्टैक्ट परमिशंस, फ़ोन परमिशंस, SMS परमिशन, स्टोरेज परमिशंस आपसे ले लेती है। अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं क्या ये लोन ऐप्स जेन्युइन है, फ्रॉड है। तो यहाँ पे मैं पहले तो आपको इस लोन ऐप्स का नाम बता देता हूँ, फर्स्ट कैश है। इसमें बिल्कुल भी अभी अप्लाई ना करो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा कि इसमें रेटिंग एंड रिव्यूज़ में जाऊँगा, तो यहाँ पर जब हम क्रिटिकल रिव्यूज़ डालेंगे तो हमें जेन्युइनली पता चल जाएगा कि ये लोन ऐप्स जेन्युइन है, फ्रॉड है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने देखा कि ये लोन ऐप्स जो है, जो जिसने ऐड दिया है, और ये ऐड देख के ही हम आए हैं, और ऐड देख के ही मैं दोस्तों आपको रिव्यू बता रहा हूँ। और आपको यहाँ पे, तो दोस्तों हमने जब ऐड देखा तो हमें देखने को मिला कि ये जो ऐप्स है वो किसी तरह का आपको लोन नहीं देती है। जी हाँ दोस्तों, ये लोन ऐप्स किसी तरह का लोन नहीं देती है, सिर्फ 100 में से 2 लोगों को 7 दिन का लोन देती है, 100 में से सिर्फ 2 लोगों को, और बाकी के जो 98 लोग हैं सिर्फ इनसे डाटा कलेक्ट करती है ये लोन ऐप्स। और रेटिंग की बात करो तो कोई भी बंदा आएगा तो फंस जाएगा इनकी रेटिंग देख के, ये 4.4 स्टार की रेटिंग है, मतलब अच्छी ऐप्स होगी। तो कृपया करके दोस्तों ऐसे लोन ऐप्स पर अप्लाई ना करो, पहली चीज़ तो आपका डेटा जाता है, दूसरी चीज़ ये है
कि लोन के नाम पे 7 दिन का आपको लोन दे भी देंगे तो उसमें आपका कोई भला नहीं होने वाला है। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इनको इतनी रेटिंग मिली कहाँ से, तो इन लोगों ने कुछ नहीं परचेस किया है, प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो आपको फेक रेटिंग एंड रिव्यूज़ देने का काम करती हैं। तो ये इनके लिए बाएं हाथ का खेल है, देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने लिखा है नो क्रेडिट हिस्ट्री रिक्वायर्ड, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये कंपनी दावा करती है कि बिना सिविल स्कोर के आपको लोन देती है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यार हम तो लोन के लिए आए थे, हमें तो लोन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए था, आपने तो फ्रॉड कंपनी एक्सपोज कर दी। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे जेन्युइन कंपनी के बारे में भी, लेकिन आपको समझना चाहिए कि क्या गलती करते हो जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो। तो दोस्तों, अगर आपको एक जेन्युइन कंपनी से लोन लेना है, उसके लिए अप्लाई करना है, तो आपको गूगल पे जाना है, सिंपली गूगल पे जाना है और सर्च करना है paperlessloan.in। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है paperlessloan.in। जब आप इस वेबसाइट को सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ये वाले ओपन करना है जिसमें लिखा होगा paperless.in वाला, इसमें जो लिखा है इसमें क्लिक करना है। उसमें जब क्लिक करोगे तो आपको हर तरीके के जनरल लोन ऐप्स के बारे में पता चलेगा, इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप्स भी पता चलेंगे जो पर्सनल लोन देती हैं लोन ऐप्स के थ्रू, इंस्टेंट लोन ऐप्स के बारे में पता चलेगा जो छोटी लोन ऐप्स देती हैं, टॉप 5 लोन ऐप्स, बैंकिंग लोन ऐप्स, इन सब के बारे में पता चलेगा। लेकिन आपको वेबसाइट ये गलत नहीं करनी है, paperlessloan.in वाली वेबसाइट में ही आपको विजिट करना है, और यहाँ पर आपको पे लेटर कार्ड के बारे में भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पे लेटर कार्ड होता है जिसमें आप कोई पैसा ले लो अभी और 30 दिन के बाद उसका रिपेमेंट करो, तो ये भी चीज़ होती है। तो बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ आपको इस वेबसाइट में देखने को मिलेंगी, तो ज़रूर विजिट करें। और यहाँ पे अगर आपको मैंने घर बैठे अर्निंग की कुछ ऐप्स बताई हैं, उसको ज़रूर घर बैठे कुछ काम करके आप अर्न कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। आप सभी को वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।